ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। भीलवाड़ा में समस्त सामाजिक संगठनों ने संयुक्त तत्वावधान में दिल्ली कैंट के नागल गांव में शमशान घाट पर वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुई दर्दनाक घटना व हत्या के विरोध में दिया ज्ञापन, जिसमें विश्व वाल्मीकि धर्म संगठन ट्रस्ट भारत के राष्ट्रीय महासचिव व वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नकवाल ने बताया कि विश्व वाल्मीकि धर्म संगठन ट्रस्ट भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता खोकर व भीलवाड़ा जिले की टीम और वंचित लोक मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राकेश देसाई व भीलवाड़ा जिले की टीम तथा राष्ट्रीय रेगर महासभा के भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष कैलाश रावतवाल व भीलवाड़ा जिले की टीम और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताएं उपस्थित रहे। ज्ञापन में दिल्ली कैंट की 9 वर्षीय मासूम वाल्मीकि परिवार की बालिका के हत्यारों को फांसी तथा परिवार को न्याय दिलाने हेतु 1 करोड़ रुपये की नगद राशि और परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग की गई। विश्व वाल्मीकि धर्म संगठन की टीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता खोकर, राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता प्रकाश चंद्र नकवाल, संतोष चंदेल, भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष पारश घावरी, अविनाश चन्नाल, भगवती चंडालिया, महिला मोर्चा मंजू डुलगच, दुर्गा देवी गहलोत, सीमा चांवरिया, पिंकी डुलगच, अजय डुलगच आदि की मौजूदगी रही। वहीं राष्ट्रीय वंचित लोकमंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राकेश देसाई, गौतम कोटियाना, योगेश नकवाल, राहुल नकवाल तथा कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। साथ ही राष्ट्रीय रेगर महासभा के भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष कैलाश रावतवाल व उनकी टीम के कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। सभी ने हत्यारों को फांसी तथा पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की नगद राशि का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग की और शासन प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो बहुजन समाज के समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का दिल्ली कूच होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन की होगी। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भीलवाड़ा, राजस्थान से खबर। नमस्कार, आज हम जिलाधीश कार्यालय समस्त वाल्मीकि समाज के जितने भी सामाजिक संगठन है वो सभी संगठनों से हमने कल एक मैसेज डालकर मांग की थी कि भी हमारे दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय मासूम बालिका के साथ जो गौर ऐसा घिनौना कृत्य किया गया, 9 साल की मासूम बालिका शमशान घाट के पास ही उनका मकान है और वाटर कूलर लगा हुआ है शमशान घाट के अंदर नांगल गांव में। वो शमशान घाट के अंदर हमेशा के लिए पानी वहीं से ठंडा पानी लेने जाते हैं, वो भी बोतल लेके पानी लेने गई थी और उसके साथ में बेला फुसला कर उसको बुला लिया। बच्ची है छोटी, 9 साल की मासूम।